वेलकम बैक कोडर्स, मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल की 50th वीडियो में। आज की वीडियो के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन ओप्स के एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप दूसरे भी कोई कोडिंग बैकग्राउंड से हो तो आपका पॉलीमॉर्फिज्म आपको पता होगा, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और पाइथन में हम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करेंगे जब हम बात करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शंस के बारे में, इंटरफेसेस के बारे में, तब इसका हम लोग यूज़ करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में बताऊंगा पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली में होता क्या है। तो पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड को मिक्स करके बनता है। सबसे पहला वर्ड होता है पॉली और सेकेंड होता है मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म, यानी एक पाइथन का ऐसा कॉन्सेप्ट जिसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती है। पाइथन में पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला मेथड होता है डक टाइप की, सेकंड मेथड होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, थर्ड होता है मेथड ओवरलोडिंग, और फोर्थ होता है मेथड ओवरराइडिंग। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ग्लैंस देना चाहता था पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या और कितने टाइप्स आप पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डक टाइप की टाइपिंग में बारे में, कि डक टाइपिंग एक्चुअली में होता क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और अगर अभी तक आपने हमारी पाइथन प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।